The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लेंस डाइट पे, कोलोन आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करने की। आप जानते हैं आप अगर अपने सिस्टम को क्लीन नहीं करेंगे तो साल भर पहले भी खाई हुई चीज़ें वहाँ चिपकी रहती हैं, वहाँ से वो गंदगी फैलाती है आपकी बॉडी में, सारी बीमारियां वहीं से होती है। आपके इंटेस्टाइन्स के अंदर आपका बर्गर खाया हुआ, आपके जितने फ्राइज खाए हैं, आपने जो सैंडविच खाया वो चिपक जाते हैं और वो चिपके हुए वहीं रहते हैं, साल साल भर सड़ते रहते हैं और आपको बीमार करते हैं। इसलिए आपको कोलोन क्लेंस करना ज़रूरी है। इसलिए आपके अंदर एक ट्यूब डाली जाएगी, उसके अंदर से 1.5-2 लीटर पानी और सॉल्ट और बहुत सारा एनीमा, नेचुरल हर्बल टी, पता नहीं क्या क्या डाल के आपको कोलोन क्लेंस करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो आप ऐसे ही बीमार होते रहोगे, आपकी बॉडी पूरी तरह सड़ जाएगी और छेद हो जाएंगे आपके इंटेस्टाइन में अंदर। ऐसी कुछ बातें करते हैं लोग और आपको डरा देते हैं और बात करते हैं कि आपको कोलोन क्लेंस की ज़रूरत है। कोलोन क्लेंस जिसमें लोग एनीमा यूज़ करते हैं नीचे से कुछ डाल के कि लूज मोशन हो जाए, या कुछ खिलाते हैं आपको, लेमनेड हो, लेमन टी हो, सॉल्ट वाटर फ्लश हो, या कोई भी लैक्सेटिव हर्बल टी हो, या फिर एंजाइम्स, मैग्नीशियम, कुछ भी, ताकि वो आप बस मोशन जल्दी जल्दी आ जाए, आपका जो इंटेस्टाइन है वो साफ हो जाए। बट क्या इससे ये सब बेनिफिट होते हैं? क्या जो बोलते हैं कि आपकी लाइफ बढ़ जाएगी, आपकी बीमारियां ठीक हो जाएगी, शुगर ठीक हो जाएगी, बीपी ठीक हो जाएगा, हार्ट प्रॉब्लम, क्लॉट भी निकाल देते हैं, बताओ इसमें से। कई लोग बोलते हैं कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कई तो ऐसा कहते हैं कि पेट में सड़ा हुआ बर्गर जो है आप ऑयल पुलिंग करोगे तो निकल जाएगा, मतलब यहां से वो गल के ऑयल पुलिंग में आ जाएगा समहाउ। बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट्स हैं दुनिया में जो घूम रहे हैं, बट कितनी सच्चाई है उसमें, कितना रिसर्च है, क्वाइट फ्रैंकली जीरो सच्चाई है, जीरो रिसर्च एविडेंस कि इनमें से कुछ भी काम करता है, राइट। फिर भी आप लोग इंटरनेट पे पढ़ोगे, रिव्यूज देखोगे तो कई लोग बोलते मिलेंगे कि हाँ हमें फायदा हुआ, मेरा ये ठीक हो गया, मेरा वो ठीक हो गया, मेरा दिमाग ठीक हो गया, मेरी एक्ने ठीक हो गए, मेरी पीठ के दर्द ठीक हो गए, मेरे घुटने ठीक हो गए, मेरा आंखें ठीक हो गई। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपको एक प्लासिबो इफेक्ट मिलता है, आपको कुछ बोल के दिया जाता है कि आपका ये सब ठीक हो जाएगा, और वो चीज़ जिसका कोई एविडेंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है कि वो ठीक करेगी, वो भी अच्छा इफेक्ट दिखाने लगती है। एक शक्कर की गोली भी आपको अच्छा इफेक्ट दिखाने लगती है जब आपको ये बिलीव हो जाए कि आप अच्छा, कुछ अच्छा कर रहे हैं बॉडी पे, उसी प्लासिबो इफेक्ट कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी को मैस्ट्रबेशन करने के लिए बोल दिया जाता है कि तुम कमज़ोर होते जाओगे, तुम नपुंसक हो जाओगे, तुम बीमार होते जाओगे, और उस आदमी का डिप्रेशन से, उसका स्ट्रेस से टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है, उसको लिबिडो कम हो जाता है, वो एक्चुअली में बीमार होता जाता है, जस्ट बिकॉज लोग उसे दिमाग में ऐसी चीज़ डाल देते हैं कि ये ख़राब है। तो आपके दिमाग में इतना पावर है कि ये सब चीज़ें आपको इफेक्ट करेंगी। क्वाइट फ्रैंकली ना तो ऑयल पुलिंग, ना तो कोलोन क्लेंस, ना तो सॉल्ट वाटर फ्लश, ना लेमन डाइट, किसी भी इस तरह की चीज़ें से, ना ही किसी और डाइट, इस तरह फैट डाइट से कोई भी फायदा होता है, राइट। ये सब के प्लासिबो इफेक्ट्स हैं, अननीडेड है। आपका जो कोलोन है अपने आप खुद को साफ कर सकता है। नंबर वन, आपके अंदर जितना नॉर्मल फ्लोरा होता है, नॉर्मल बैक्टीरियाज होते हैं इंटेस्टाइन में, वो खुद ही जितने भी खाने पीने के वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनको डिटॉक्सिफाई करते हैं, उनका वही काम है, इसलिए वो वहां भगवान ने बनाए हैं। नंबर टू, लिवर, आपका लिवर है वो जितने भी उनसे टॉक्सिन्स निकलते हैं, खाने पीने से जो टॉक्सिन निकलते हैं उल्टे सीधे खाने से, उनको न्यूट्रलाइज करता है, उसका यही काम है। नंबर थ्री, जो इंटेस्टाइन के अंदर लाइनिंग है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो बहुत थिक लाइनिंग है, वो थिक लाइनिंग सलाइवा जैसा गाढ़ा, उससे भी गाढ़ा म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वहां पे, वो क्यों होता है? ताकि वहां के जो आपके अननीडेड सब्सटेंसेस, जो बैक्टीरिया है, जितने भी वहां पे टॉक्सिन निकल रहे हैं, वो खून में ना चले जाएं,
और आप उल्टी सीधी डाइट करके उसको फ्लश आउट कर दोगे, उल्टी सीधे क्लेंज करके उसको फ्लश कर दोगे, राइट। इंटेस्टाइन का जो म्यूकस लाइनिंग है वो इंटेस्टाइन की लाइनिंग किसी भी और टिश्यू से ज्यादा तेजी से रीजनरेट होती है। रीजनरेट मतलब बदलती रहती है, स्किन 28 दिन में बदलता है, वो और जल्दी बदलती है, और इतना जल्दी बदलता है उस पर कुछ चीज टिक नहीं सकती, उस पर कुछ चीज रोक नहीं सकती। तो साल भर पुराना बर्गर तो दूर की बात है। हाँ, इंटेस्टाइन में खाना रुक सकता है अगर आप अपने मोशन टाइम पे पास ना करो तो। जो फीसेज हैं, जो लैटरिन बनती है, वो गाढ़ी होती जाती है, और गाढ़ी गाढ़ी लैटरिन एक जगह अटक सकती है। अगर आपका इंटेस्टाइन में फाइबर कम हो, गाढ़ी लैटरिन हो, और गाढ़ी सख्त होके वहां बॉल बन सकता है लैटरिन का, वो भी अगर आप लैटरिन सही समय पर ना करें, अगर आप पानी बहुत कम पिए, तो इन सब चीजों की वजह से। फाइबर ज्यादा ना खाएं तो, ना कि पुराने जमाने का, पहले का, पता नहीं कौन सा 2 साल पहले का बर्गर वहां पड़ा हुआ है। सो बहुत गलत कॉन्सेप्ट्स हैं दुनिया में। आपके बॉवल मूवमेंट्स बहुत वेरिएबल है, कोई एक बार जाता है, कोई एक दिन में 2 बार जाता है, कोई 3 बार, कोई हफ्ते में 3 बार, सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल है, राइट। ज्यादा बार मोशन पास करने का मतलब ये नहीं होता कि आपका वजन कम हो जाएगा या आप पतले हो रहे हो, आपकी बॉडी क्लेंज हो रही है, साफ हो रही, कतई भी नहीं। आपके बॉडी लार्ज इंटेस्टाइन जो लास्ट पार्ट तक पहुंचने से कहां पहले ही सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेती है, जितना एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, सब एब्जॉर्ब हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन तक इवन पहुंचने से पहले खाना। तो खाने से एब्जॉर्प्शन रुकेगा, आप पतले हो गए, पॉसिबल ही नहीं है। सो आप उल्टा बीमार हो सकते हो, साइड इफेक्ट हो सकता है। कोई भी क्लेंज हमेशा सेफ नहीं होता, कोई भी नेचुरल चीज लिख दी नेचुरल तो सेफ होना जरूरी नहीं है। आपको साइड इफेक्ट हो सकता है, आपको सबसे पहले डिहाइड्रेशन होगा, लूज मोशन होगा, डिहाइड्रेशन होगा, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होगा। आपने सॉल्ट वाटर ले लिया, आपने कोई ऐसी एनीमा ले लिया जिसमें पता नहीं क्या है क्या नहीं है, राइट, लेमोनेड, मेपल सिरप, उल्टी सी भी चीजें, उसमें पोटेशियम ज्यादा, सोडियम ज्यादा, आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो सकता है। अगर आपको ऑलरेडी कुछ भी बीमारी है, किडनी पे इफेक्ट होगा, हार्ट पे इफेक्ट होगा, हार्ट के रिदम में प्रॉब्लम, हार्ट अटैक तक आ सकता है इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस और डिहाइड्रेशन से, इन टाइप की क्लेंज डाइट से। हार्ट अटैक भी आए हैं लोगों को, हार्ट फेलियर भी हुआ है इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस से, डिहाइड्रेशन से लोगों को। इवन अगर रोज रोज कर रहे हो, रेगुलर कर रहे हो, तो डिपेंडेंसी हो जाती है, फिर मोशन ही पास नहीं होते बिना ऐसी किसी उल्टी सीधे काम करे, राइट। लोग लिटरली ट्यूब्स डालते हैं अंदर तक, और ट्यूब डाल के लीटर लीटर पानी, लीटर लीटर सॉल्ट वाटर या एनीमा या लेग्जेटिव या हर्बल टी डाल के फ्लश करने की कोशिश करते हैं, उन ट्यूब से इन्फेक्शन, इंटेस्टाइन में छेद, परफोरेशंस हो सकते हैं। कॉफी एनीमा नाम की चीज़ें, नीचे से एनीमा डालते हैं, कॉफी सब कुछ ठीक हो जाए, उससे बर्न्स हो सकते हैं, अंदर छेद हो सकते हैं आपके, आपको सेप्सिस इन्फेक्शन हो सकता है, पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल सकता है, इतनी खतरनाक चीज़ें हैं कॉफी एनीमा। नई नई चीजें कुछ भी कहीं भी डाल देंगे। सो दीज आर रॉन्ग प्रैक्टिस, गलत प्रैक्टिसेस हैं। आपको इससे, ना सिर्फ इससे, जो नॉर्मल आपकी दवा चल रही है उससे इंट्रैक्शन हो सकता है, इंट्रैक्शन, वो दवा का इफेक्ट कम ज्यादा, शुगर, बीपी, थायराइड, हार्ट प्रॉब्लम की दवा जो चल रही है, किडनी प्रॉब्लम की दवा चल रही है, उनके साथ इंट्रैक्ट करेंगी ये सब चीजें, एनीमा, हर्बल टी, सॉल्ट वाटर, सब इंट्रैक्ट करेगा। ऑटो इंटॉक्सिकेशन हो सकता है, आपने इतना सारा सॉल्ट ले लिया, वाटर ले लिया, इतना सारा एनीमा, इतना सारा हर्बल टी, उन सब का आपके इंटेस्टाइन्स पे ब्लोटिंग इफेक्ट होता है, इंटेस्टाइन्स फूल सकते हैं, उसमें आपको लिटरली हेडेक, फटीग, खाने पीने का मन ना करना, आपकी इरिटेबिलिटी बढ़ सकती है। सो बहुत सारे साइड इफेक्ट, नॉर्मल फ्लोरा डिस्टर्ब हो सकता है वहां पर, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन आ सकते हैं, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं इसके। इतने कि FDA ने ये सब क्लेंस को कंट्रोल करने के लिए जो उन्होंने ट्यूबिंग बनानी शुरू कर दी, एक पूरा सेटअप बनाना शुरू कर दिया था, क्लेंस करेंगे, उसको फिर रेगुलेट किया, उसको बंद करवाया। मगर आज भी लोग सिर्फ प्रोडक्ट बेच रहे हैं कि तुम ही पी लो, एक एक लीटर पी लो, दो दो लीटर पी लो, और पी रहे हैं लोग, ऐसे बना लो, पी लो। हम तो ट्यूब से नहीं डालेंगे, डाल नहीं सकते। बहुत अननीडेड चीजें करी जा रही है, जीरो बेनिफिट, प्लासिबो इफेक्ट के चलते, राइट। सो रिमेंबर, नेचुरल चीजें ये नहीं है, नेचुरल चीजें हैं जो आपके इंटेस्टाइन को, नोन, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखे। उसमें नंबर वन चीज है फाइबर, हाई फाइबर डाइट, फाइबर ज्यादा खाना है उस पर अलग डिटेल वीडियो है हमारा, देख सकते हैं। पानी ज्यादा पीना है उस पर अलग वीडियो है, पानी कितना पीना है, पानी ज्यादा, फाइबर ज्यादा, वेजिटेबल्स में फाइबर है, फ्रूट्स में फाइबर है, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाने इंपॉर्टेंट है,
नेचुरल लेक्सेटिव ले सकते हो, बनाना ले सकते हो, फ्रूट्स ले सकते हो, फ्रूट्स नेचुरल लेक्सेटिव होते हैं। स्मोकिंग कम करनी चाहिए, उससे इंटेस्टाइनल मोबिलिटी कम होती है, स्मोकिंग से और धुएं से, पोल्यूशन से इंटेस्टाइन की मोटिलिटी कम होती है। सो आपको स्मोकिंग कम करनी है, एक्सरसाइज ज़्यादा करनी है, उससे मोटिलिटी बढ़ती है, राइट। रेगुलर एक्सरसाइज से उसकी भी मोटिलिटी बढ़ती है। आपको रेड मीट, प्रोसेस्ड मीट कम खाना चाहिए, मीट मटन थोड़ा कम खाना चाहिए, रोज ही रोज रेड मीट नहीं खाना चाहिए। सो बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखती हैं, वो कर सकते हैं, वो सेफ है, ये नहीं। सो रिमेंबर, कोलोन क्लेंस, क्लेंस डाइट, हाइड्रोथेरेपी, इरिगेशन, सॉल्ट वाटर फ्लश, लेमन डाइट, राइट, और पता नहीं क्या क्या लोग बनाते हैं, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट मत करें, ये गलत है। सो अगर वीडियो सही लगा, नहीं लगा, तो रिसर्च खुद कर सकते हो जाके पबमेड पे या किसी भी ऑथेंटिक वेबसाइट पे, उल्टे सीधे लोगों के जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं, कुछ नहीं है, उनके सिर्फ रिव्यूज पढ़ के अपनी बॉडी पे एक्सपेरिमेंट मत करिए, ठीक है। अच्छा लगा तो लाइक करिए, सही लगा तो शेयर करिए, सब्सक्राइब एंड कीप कनेक्टेड, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हेल्दी।